हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन MNS एकेडमी। आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑफ इंग्लिश, एंड इंग्लिश में जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं, सो आई सजेस्ट यू कि आप अपनी कॉपी या जहाँ पे भी आप नोट करना चाहते हैं वो लेकर बैठो, ताकि आपको मार्क्स कैलकुलेट करने में आसानी रहे। ओके, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जैसे कि हर मॉक टेस्ट में रहता है। अगर ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले हमने और भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट ले चुके हैं। दिस इज़ 17th मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने 16 और मॉक टेस्ट लिए हुए हैं। अगर आपको वो देना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सबको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ हैंडसम मैन। अगर इसको हम एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? टाइकून, डेबोनियर, कैवेलियर या एडोनिस? तो उसको हम बोलेंगे एडोनिस। एडोनिस मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीमली यंग मैन, जो बहुत ही हैंडसम हो। ठीक है, टाइकून मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही सक्सेसफुल हो किसी बिजनेस या इंडस्ट्री में, स्पेशली बिजनेस में। ठीक है, और वो उसी की वजह से रिच हुआ है और बहुत ही पावरफुल है, तो उसको हम बोलते हैं टाइकून। बिजनेस मैंस के लिए ही ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है डेबोनियर, इसका मतलब होता है फैशनेबल एंड कॉन्फिडेंट मैन। एंड लास्ट वन इज़ कैवेलियर, जिसका मतलब होता है अ कोर्टली जेंटलमैन, स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज एस्कॉर्ट। लेडीज एस्कॉर्ट क्या होता है? जो जैसे किसी वुमेन को आप कहीं पे लेके जा रहे हो तो उसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। एस्कॉर्ट मतलब ही यही होता है कि आपको वो कहीं पे ले जाने ले आने के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप किसी को लेके जा रहे हो अपने साथ, तो उसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। एक तरीके से आपके साथ बस जा रहा है वो। नेक्स्ट इज वन हु हैज़ ऑब्स्टीन एंड नैरो रिलीजियस व्यू। वैसे लोगों को क्या बोलते हैं जिनका बहुत ही ऑब्स्टीन एंड नैरो रिलीजियस व्यू होता है? फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बायगॉट या थियोसोफिट? उनको हम बोलते हैं बायगॉट। ठीक है, द सी वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन जो होता है उस पर इंस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि यहाँ पे किसकी ग्रेव लाई कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उनके बारे में कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे वो किसके भाई थे, किसके बहन थे, किसके मम्मी पापा थे, और कुछ उनके बारे में अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में तो ग्रेव स्टोन नहीं बनाते, हम बॉडीज़ को जलाते हैं, लेकिन कुछ कुछ धर्म होते हैं जिसमें ग्रेव स्टोन बनाते हैं, तो वो लिखवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेमोरियल, एपिटैप, नेक्स्ट है एपिग्राफ या ऑबिट्री? जल्दी से बोलो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिटैप। ठीक है, तो जो एपिटैप होता है इसका मतलब ही होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव स्टोन। नेक्स्ट है ऑबिट्री, इसका मतलब क्या होता है? अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विद हिज लाइफ और अचीवमेंट। स्पेशली जो किसी हम लोग याद भी करते हैं, आपने GK के वीडियोस में देखा होगा, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ होती है उनकी डेथ कब हुई या किस रीज़न की वजह से हुई, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जो हम उसको पढ़ते हैं ना तो उसी को बोलते हैं ऑबिट्री। नेक्स्ट इज मेमोरियल, मेमोरियल मतलब होता है अ स्ट्रक्चरल इवेक्शन टू कमेमोरेट पर्सन और इवेंट। किसी चीज़ को कमेमोरेट याद करना या किसी इवेंट को याद करना, उसको मेमोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिग्राफ, एपिग्राफ मतलब होता है अ एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ अ वेरी बैड मॉरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन। इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है क्या होगा, ये किस वर्ड का मीनिंग है बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, डिप्रेव्ड, डायलेटरी, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलैपिडेटेड, एंड द लास्ट वन इज डेसल्टरी। तो इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्रेव्ड। डिलैपिडेटेड मतलब होता है किसी चीज़ को रूइन कर देना या ख़राब कर देना। ठीक है, एंड डेसल्टरी मतलब होता है जंपिंग और पासिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आप जंप कर रहे हो या पास कर रहे हो, तो उसको डेसल्टरी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? शेल्फ, सेलर, म्यूजियम या आर्काइव? उसको हम बोलते हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आर्काइव। एंड आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, मिंट, फर्म, पार्लियामेंट या बैंक? ये तो बहुत इजी है, ये आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा मिंट।
ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। आपको उससे भी याद होगा एक वेब सीरीज़ आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जिसमें मनी हीस्ट करके नाम था जिसका, और उसमें वो लोग बैंक को लूटने जाते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, वो जगह होती है रॉयल मिंट, ठीक है, वहाँ से आपको याद होगा, वहाँ पे वो लोग नोट छापते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मनी कॉइंड होती है या जहाँ पे नोट छापते हैं उसी जगह को हम मिंट बोलते हैं। ओके, पार्लियामेंट आप सबको पता ही होगा, फर्म मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, ऑफिस टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, एंड बैंक भी पता होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, फ्लिप साइड, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिंट लॉक या फ्लिपेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिप साइड। फ्लिप साइड मतलब होता है डिफरेंट और लेस वेलकम एस्पेक्ट ऑफ एन आइडिया, आर्ग्यूमेंट या एक्शन। फ्लिपेंट मतलब होता है शोइंग दैट यू डू नॉट टेक साइड समथिंग एज सीरियसली एज अदर पीपल थिंक यू शुड। मतलब कुछ ऐसी चीज़ आपको सीरियसली लेनी चाहिए, दूसरे लोग सोचते हैं कि आपको ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए, बट आप ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं, आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। फ्लिप फ्लॉप एक टाइप ऑफ चप्पल जो बोलते हैं ना हिंदी में, जिस पे ऐसी डेली यूज़ वाली चप्पल होती है, उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर ये फ्लिंट लॉक, मतलब ये क्या है, एक गन यूज्ड इन अ पास, पहले के ज़माने में एक गन यूज़ होती थी, उसको बोलते थे फ्लिंट लॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक, म्यूज़िक में कोई पर्सन बहुत ही हाईली स्किल्ड है उसको क्या बोलेंगे, नोवाइस, वर्चुओसो, डैबलर या एमेचर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्चुओसो। ये एक लैटिन वर्ड है। एमेचर मतलब क्या होता है, एमेचर मतलब कोई नॉन प्रोफेशनल या जो अभी सीख रहा है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो होता है एमेचर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई किसी को जस्ट पनिशमेंट मिल रही है रॉन्ग, उसने कोई गलत काम किया उसके लिए। जस्ट मतलब क्या, खाली पनिशमेंट नहीं, जस्ट मतलब जस्टिस वाला जस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉडगिरी, डांटी, वैगन या नेमेसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेमेसिस। नेक्स्ट इज अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हैबिट्स बहुत ही एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल क्या मतलब नॉर्मल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, फैनेटिक, इडियोटिक, स्कली या एनसेंट्रिक। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसेंट्रिक। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो उसको यही बोलते हैं। सल्की मतलब होता है बैड टेम्पर में होना, या आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वैसे बिहेवियर को सल्की बोलेंगे। इडियोटिक मतलब आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, आप दे भी रहे हो किसी को और वहाँ से रिसीव भी कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली चल रही है, तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे, मतलब वैसा कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड, अप्रूव, रेसिप्रोकेट या प्रेजेंट। काफ़ी ईजी है, इसका करेक्ट आंसर होगा रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट इज कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी ग्रुप का कोई कस्टम्स है या हैबिट है, जैसे फ्रेंड्स में भी होता है कि हाँ हम हर सैटरडे को घूमने जाएंगे या हम हर मंडे को यही लंच खाएंगे एक साथ, कुछ ऐसे ऐसे आपके मतलब होते हैं, ठीक है, तो हैबिट्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस या मोर्स। तो उसको बोलते हैं मोर्स। ट्रेडिशंस आपको पता होगा, रिचुअल जो पूजा पाठ करते हैं उसमें उसकी एक विधि होती है ना, कि इसी तरीके से करना है, तो उसको हम बोलते हैं रिचुअल्स। ट्रेडिशंस आपको पता होगा, जैसे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं कि इसमें हमें, जैसे मान लो ये फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें हमें इस तरीके से करना है, उसमें हमें ये ऐसे कपड़े पहनने हैं, वो सब ट्रेडिशंस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइड वे, आप या तो आगे पीछे जा रहे हो या साइड वे में मूव हो रहे हो, तो ऑप्शंस आर ट्रेवर्स, सोजर्न, ब्रीथर या एंड द लास्ट वन इज टारियंस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेवर्स, ठीक है। टारियंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप डिले करने के लिए चाहते हो या डिले कर रहे हो जानबूझ के, तो वो टारियंस हुआ। और सोजर्न मतलब होता है किसी जगह पे थोड़ी दिन के लिए रहना, कोई टेम्प्ररी रेजिडेंस है, उसको हम सोजर्न बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14, ओपिनियन कॉन्ट्रैक्टरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एडवोकेसी, हेरेसी, कन्वेक्शंस या कॉन्ट्रोवर्सी।
इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेयरसी। हेयरसी मतलब क्या होता है? अ बिलीव एन ओपिनियन दैट डिसएग्री स्ट्रांगली विद व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव। कोई ऐसा बिलीव या ओपिनियन जिससे आप डिसएग्री कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उस बिलीव पे स्ट्रांगली एग्री करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सी मतलब क्या होता है? अ डिस्प्यूट वेयर देर इज़ अ स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट। एडवोकेसी इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव सपोर्ट ऑफ एन आइडियल, किसी आइडियल को आप एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हो। एंड लास्ट वन इज कन्वेंशन जिसका मतलब होता है द वे इन विच समथिंग इज डन दैट मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी एक्सपेक्ट एंड कंसिडर टू बी पोलाइट या द राइट वे टू डू। किसी चीज़ का सही तरीका जो सोसाइटी मानती है सही तरीका करने का उसको बोलते हैं हम कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसमें कोई पनिशमेंट की रिस्क ही नहीं है तो वैसी चीज़ को क्या बोलेंगे? इनएक्सोरेबल, इम्परटर्बेबल, इम्पनिटी या इम्प्रूडेंट। ये सब वर्ड्स ना जो स्पेलिंग करेक्शन होते हैं उसमें आते हैं, तो इंग्लिश का तो सारा इंटर रिलेटेड है। देखो आप ये भी पढ़ रहे हो, आपको यहाँ से मीनिंग भी पता चल जा रही है, तो मीनिंग वर्ड मीनिंग्स भी याद हो गए। वर्ड मीनिंग से क्या होता है? सिनोनिम एंटोनिम कवर हो जाते हैं। इतने सारे जब वर्ड्स देखते हो आपको उसकी स्पेलिंग याद रहती है तो आपका स्पेलिंग करेक्शन वाला जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। तो सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे ना देख के पूरा उसको ओवरऑल देख के करो, एक एक स्पेलिंग ध्यान दो अच्छे से ताकि हर चीज़ आपका कवर होते जाए साथ में, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इम्पनिटी। नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स इन स्लीप। वेरी इजी, और 2 साल ये एग्जाम में आया है 2014 एंड 16 में आई गेस। तो कोई ऐसा पर्सन जो सोते वक्त चलता है या नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इगोइस्टिक या सोमनीलोकिस्ट। वैसे पर्सन को हम बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैचुरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। इसका मैं आपको इजीली मीनिंग बताती हूँ, आप उससे आराम से समझ पाओगे। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके एक ना ड्राइंग बनाई जाती है और वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उनका फेस जस्ट हल्का सा रिसेंबल करे उससे और वो आपको देख के उसको हंसी भी आए। एक आता भी है न्यूज़ चैनल पे सो सॉरी करके, आई डोंट नो किसी ने देखा है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं पॉलिटिशियंस का ये जो भी चल रहा होता है उनका ऐसे कार्टूनिस्टिक वे में बनाते हैं बहुत ही एग्जैचुरेटेड मैनर में जिससे हंसी आए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। कार्टोग्राफी ऑप्शन बी है कैरिकेचर, सी इज कैकोग्राफी एंड लास्ट वन इज कार्टून। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरी कैचर। इसी का मतलब होता है किसी पर्सन का ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना जो बहुत ही एग्जैचुरेटेड मैनर में हो जिससे हमें देख के हंसी आए, ठीक है। कार्टून आपको पता ही होगा। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप जो बनाते हैं ना उसको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। मैप पहले से तो ऐसा नहीं बना होता, सबसे पहला हिस्ट्री की बुक में देखना बहुत ही अजीब तरीके से मैप बना हुआ था, वो भी उल्टा बना था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैप्स वगैरह डेवलप्ड हुए और अभी हम जो मैप देख पाते हैं वो बना, तो वो जो मैप्स बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 18, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कोई ऐसा परसेप्शन आपका है जिसमें कोई रियलिटी ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इल्यूजन, सिनिज्म, ऑप्टिमिज्म या हैलुसिनेशन। उसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन और इल्यूजन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। हैलुसिनेशन क्या हो रहा है? जब आप कुछ देख रहे हो वो रियलिटी में वहाँ पे नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसकी नहीं है, पर इल्यूजन में आपको ऑब्जेक्ट्स भी दिखते हैं पर वो सच नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये सच नहीं होता, आपके दिमाग में ही होता है। सिनिसिज्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कोई डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड आपका है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म आपको पता होगा हमेशा अच्छा सोचना या सोचना कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, उसको ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्ल्यूज अवेलेबल एट सीन, स्पेशली क्राइम सीन्स, है ना। हमें जब कोई भी सीन होता है क्राइम सीन्स वगैरह तो वहाँ पे देखा होगा अपने CID या ये सब जब देखते होगे तो लोग बोलते हैं यहाँ पे क्ल्यू मिला या फॉरेंसिक वगैरह का, तो उस चीज़ के एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ठीक है। इंटरफेरेंशियल, सजेस्टिव, डेरिवेटिव या सर्कमस्टांशियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्कमस्टांशियल।
नेक्स्ट इज 20 इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डेरिवाइज और एग्रेसिव कमेंट और अब्यूज़। कोई पब्लिक स्पीकर है कोई भी, नॉट ओनली सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, जब राज्यसभा या लोकसभा में बातें होती हैं और सारे वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं, कभी कभी जो वहाँ के स्पीकर होते हैं उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव कमेंट करके। अब्यूज़ तो नहीं होते राज्यसभा में और लोकसभा में, मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं, ठीक है, पर एग्रेसिव कमेंट करके जो स्पीकर होते हैं उनको रोक दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर एले, हैकल, डल्सिफाई और सूथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैकल। व्हाट डज एले मीन? इसका मतलब होता है टू मेक क्वाइट या किसी को काम करना, ठीक है, CALM वाला काम। नेक्स्ट इज स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। कोई स्टैमर करके बोलता है उसको क्या बोलते हैं? फैटी लोक्वेंट, मेस्ली लोक्वेंट, सटरिंग या डेनी लोक्वेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सटरिंग। मेले लोक्वेंट मतलब जो बहुत ही मीठा बोलता हो उसको मेले लोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड फैटी लोक्वेंट जो कोई फेट के बारे में या कोई किसी प्रोफेसी के बारे में बताता हो, ठीक है, यहाँ से फेट जो वर्ड आ रहा है ना वहीं से याद रख लेना, FAT आ रहा है ना, तो फेट के बारे में जो बताता हो या प्रोफेसी बताता हो तो उसको फैटी लोक्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं ये पूछा हमसे? पेडिस्टिन, पीडोफाइल, पेडागॉग या पीडियाट्रिशियन। इट शुड बी वेरी ईजी फॉर यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पेडिट्रिशियन। नेक्स्ट वन इज वन हु इज अ न्यू टू अ प्रोफेशन। कोई ऐसा पर्सन जो किसी प्रोफेशन में नया हो उसको क्या बोलेंगे? टायरो, न्यूआंस, वेंडल या पन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टायरो। नेक्स्ट इज लाइवली और हाई स्पिरिटेड। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेव, वाइवेशियस, डिस्करेज या डिप्रेशन। ये इजी है क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस ही उल्टे दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा। कोई बहुत ही हाई स्पिरिटेड है या लाइवली है तो वो ग्रेव तो नहीं होगा, डिस्करेज भी नहीं होगा, डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। किसी भी काइंड का बॉन्डेज है उससे आप उसको फ्री कर दे रहे हो तो वो एक्ट को क्या बोलेंगे? इराडिकेशन, इंडेमनिटी, इमाइग्रेशन या इमैंसिपेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इमैंसिपेशन। नेक्स्ट इज अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और शिवेलरियस मैन। ऐसा पर्सन जो बहुत ही ब्रेव है, नोबल है, शिवेलरियस मतलब बहुत ही तरीके से बिहेव आता हो, तमीज से रहता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रोबस्ट, गैलेंट, रेकलेस या हैंडसम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज़ गैलेंट। गैलेंट मतलब होता है हैविंग डिस्प्ले अ ग्रेट डिग्निटी और नोबिलिटी, ठीक है, कोई नोबल मैन जो है उसको बोलेंगे हम गैलेंट। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्थी, रेकलेस मतलब होता है कोई भी रैश बिहेवियर, एंड हैंडसम पता ही होगा आपको। नेक्स्ट इज एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। किसी सेंट्रल पॉइंट से इमिशन ऑफ लाइट या हीट हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन या रेस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेडिएशन। अगला है 28, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिन। उसको क्या बोलेंगे? रिनाउंस्ड, रेमोन्स्ट्रेट, रिकेंट या एक्सपायरेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपायरेट। एक्सपायरेट मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग इन द ऑर्डर टू शो दैट यू हैव दैट यू आर सॉरी। आप दुखी हो, जो भी आपने गलत काम किया है उस चीज़ के लिए आपको जो भी उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है आप उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेट। रिनाउंस्ड मतलब होता है गिव अप कर देना। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है आर्ग्यू इन द प्रोटेस्ट ऑपोजिशन। आप किसी चीज़ से आर्ग्यू कर रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। रिकेंट मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट कर देना, ठीक है, किसी प्रेशर की वजह से आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट इज अटोनमेंट। अटोनमेंट यहाँ पे ये वर्ड आया था, इसका मीनिंग लिखा हुआ है
सो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ शोइंग यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट. आपने पास्ट में कुछ गलती की है उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हो, उस एक्ट को शो करना इज अटोनमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज. डिजीज की नेचर को पता लगाना उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोस, डिटेक्ट, डिटरमाइन या इन्वेस्टिगेट. उसको हम बोलते हैं डायग्नोस करना. एज अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिशियन पार्टी इज अलाउड टू फ्रिक्शन. इसको क्या बोलते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे. ऑप्शन है टोटलिटेरियज्म, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या ओलिगार्ची. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटलिटेरियनिज्म. ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी कैपेसिटी. एक कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है किसी चीज़ में, ठीक है, किसी एक्टिविटी में, उसको क्या बोलेंगे, वेटरन, वर्सेटाइल, वल्नरेबल या वेनरेबल. तो उसको हम बोलते हैं वेटरन. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस. बहुत ही छोटी सी जगह होती है तो वहाँ पे अगर कोई जाता है तो उसको डर लगने लग जाता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं. जो ये बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, बाथोफोबिया, साइनोफोबिया या क्लास्ट्रोफोबिया. इसको हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है. क्लास्ट्रोफोबिया इज एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ नैरो और एनक्लोज्ड स्पेस. किसी छोटे से जगह पे या नैरो स्पेस पे हम होते हैं तो हमें वहाँ पे डर लगने लगता है, तो वो. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया मतलब जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया होता है. बाथोफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ, डीप वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट. जैसे आप किसी गहरे समुद्र में या कहीं जा रहे हो स्विमिंग वगैरह करने तो आपको उस चीज़ से अगर डर लग रहा हो तो वो बाथोफोबिया बोलते हैं. एंड साइनोफोबिया इज फियर ऑफ डॉग्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. रेमेडी फॉर ऑल डिजीज. इसको क्या बोलेंगे, एनल्जीसिया, पेनेसिया, इटर्नल या मॉर्टल. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पैंसिया. पैंसिया मतलब होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन. उस पर्टिकुलर सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसको पैंसिया बोलेंगे. एनल्जीसिया बोलते हैं द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस. कॉन्शियस हो बट आपको पेन फील नहीं हो रहा है, ठीक है. इटर्नल मतलब होता है विदाउट एन एंड, एग्जिस्टिंग कंटिन्यूटी फॉर एवर. मॉर्टल मतलब होता है दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई. तो इटर्नल मतलब इमॉर्टल हो सकता है, ठीक है, वो मरेंगे ही नहीं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो फॉरएवर है. और मॉर्टल मतलब वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते, दे हैव टू मस्ट डाई. हम लोग क्या, हम लोग मॉर्टल है ना. ये वर्ड्स आपने वेम्पायर वगैरह की जो सीरीज़ होती है उसमें देखा होगा, मॉर्टल, इमॉर्टल, ऐसे वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज. स्किन और उसकी बीमारी जो होती है उसको जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायक्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या एक्सियोलॉजी. तो इसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजी, ठीक है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी. डायक्टोलॉजी बोलते हैं द साइंस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय साइन यूजिंग द हैंड्स एंड फिंगर. हाथ और फिंगर को यूज़ करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको ये बोलते हैं. डेंड्रोलॉजी क्या होता है, द साइंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री. ट्री की साइंटिफिक स्टडी को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं. एंड एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यू एंड वैल्यूज जजमेंट. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लुक एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग. ऐसा पर्सन जो हर चीज़ की, कोई भी कैसी खराब भी सिचुएशन हो पर वो उसके ब्राइट साइड में देखता है. ऑप्शंस है सिनिक, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या सिकोफेंट. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट होता है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग टू हैपन. एक ऐसा पर्सन जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी चीज़ हो. सिनिक मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ रादर देन फॉर गुड और सिंसियर रीजन. सिनिक ऐसा पर्सन होता है जो बिलीव करता है कि लोग जो होते हैं वो सेल्फिश ही होते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कोई सिंसियर या गुड रीज़न नहीं होता है. पेसिमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन. ये पूरा इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है.
ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट हो गया पेसिमिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि बुरी चीज़ें ही होगी। एंड साइकोफैंट मतलब होता है अ पर्सन हु प्रेज इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट्स नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या पावरफुल पीपल होते हैं, जैसे बोलते हैं ना मक्खन लगाना या बटरिंग करना कि उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिंसियर तरीके से नहीं, उनको बस अपना काम निकलवाना है। तो वैसे लोगों को जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना चमचागिरी, तो इंग्लिश में उसका वर्ड क्या है, साइकोफैंट। नेक्स्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री, एनेक्डोट, आर्काइव या एनल्स। इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, आर्काइव। आर्काइव होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, फैमिली, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्यूमेंट्री होती है कोई फिल्म, रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम का कुछ दिया हुआ फैक्ट जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया जाता है। एनेक्डोट मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। कोई रियल इंसान के बारे में कोई छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है तो उसे एनेक्डोट बोलते हैं। एनल्स मतलब होता है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट एक्टिविटी ईयर बाय ईयर। एनुअल जो होता है ना उसी से ये वर्ड आया है, साल का एक जो रिकॉर्ड है ऑफिशियल उसको रखा जाता है। नेक्स्ट इज वन हु नो मैनी लैंग्वेज। कोई ऐसा पर्सन जो जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीफोनी, पॉलीग्लॉट, पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीग्लॉट। पर्सन हु नोज यूज राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में उस पर्सन को वो पर्सन बोल सकता है, लिख सकता है, उसको पॉलीग्लॉट बोलेंगे। पॉलीफोनिक मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक। पॉलीएंड्री मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एंड पॉलीगैमी मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट इलनेस ऑफ बोन। हड्डियों की जो बीमारी होती है उसको ट्रीट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोडोंटिक या ऑर्थोपेडिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द इंजरी एंड डिजीज ऑफ द बोन एंड मसल। ऑर्थोलॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडीज ऑफ बर्ड। पीडियाट्रिक्स होता है अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्निंग विद चिल्ड्रंस एंड देयर डिजीज, ये हमने पहले भी कवर किया ना। एंड ऑर्थोडोंटिक मतलब होता है द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग द पोजिशन ऑफ टीथ एंड जॉ, दांत वगैरह ठीक करवाते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके कभी कभी दांत ही निकल जाते हैं, या कभी कभी बच्चों के भी होते हैं ज़्यादा मीठा खाने की वजह से या किसी चीज़ की वजह से उनके दांत पूरे सड़ जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो ब्रेसेस लगवाते हैं ना बहुत सारे लोग, वो इसी की वजह से होता है। और यही ब्रांच है जो ट्रीटमेंट करती है टीथ के अनजॉ की। नेक्स्ट इज अ रिजर्व फॉर एनिमल बर्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी, सेंचुरी, फॉरेस्ट या वुड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंचुरी। नेक्स्ट इज जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। पार्डन दी जाती है मतलब क्षमा कर दिया जाता है आपको, कोई भी आपने गलती की है स्टेट के अगेंस्ट उसके लिए, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सैंक्टिफाई, एमनेस्टी, ग्रैट्यूटी या रेड टैपिज्म। तो इसको बोला जाता है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। सैंक्टिटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो या सिचुएशन नहीं, चलो छोड़ दो, प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, वो कैसे है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो वर्थ है प्रोटेक्टिंग के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, वीआईपी सिक्योरिटीज़ बहुत सब दिए जाते हैं। तो आप ऐसे स्टेट में हो, देखो पीएम क्या है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन जैसे वो पीएम बने तो उनकी सिक्योरिटी अपलिफ्ट हो गई। तो आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ग्रैटिट्यूटी, इसका मतलब होता है मनी दैट इज़ गिवन टू एम्प्लॉय व्हेन दे लीव देयर जॉब।
जब अपना नौकरी छोड़ देते हैं तो उनको जो पैसे मिलते हैं उसको ग्रैटिट्यूटी बोलते हैं। रेड टैपिज्म मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायर्ड एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर और कंप्लीट। बैंक वगैरह के या इंश्योरेंस के जो काम होते हैं उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है जब आपका ऑफिशियल या जो भी काम है वो कंप्लीट होने से पहले, तो उससे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज 41, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरैशनल एंथुसियाज्म। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही इरैशनल एंथुसियाज्म से मोटिवेटेड है, मतलब जिस चीज़ की वजह से वो मोटिवेटेड है वो गलत है, ठीक है। मॉडरेट, कंजर्वेटिव, फैनेटिक या फैन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैनेटिक। फैनेटिक एक कोई ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही एंथुसियास्टिक है लेकिन रॉन्ग चीज़ को। तो टेररिस्ट एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा उनको अगर एक काम दिया जाता है तो वो करते ही हैं, उनको कुछ भी चाहे अपनी जान चले जाए, लास्ट में खुद को ही बॉम्ब से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है, फैनेटिक बिहेवियर है उनका, ठीक है। मॉडरेट मतलब क्या होता है, पर्सन हु हैज़ ओपिनियन स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स दैट आर नॉट एक्सट्रीम। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास ओपिनियंस है पॉलिटिक्स से रिलेटेड लेकिन कोई एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव, अ पर्सन हु इज़ अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज। कोई भी सोशल चेंज आ रहा है तो वो लोग उसका अपोज करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे पर्सन्स को कंजर्वेटिव्स बोला जाता है। फैन, फैन एक पर्सन होता है जो किसी को एडमायर करे, ठीक है, उसको सुने या चाहे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। इसको क्या बोलेंगे, विंडो व्यू, पैनोरमा, मैक्रोस्कोपिक या ईगल व्यू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ़ोन में भी ये फीचर होता है। नेक्स्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस। गैस की प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, माइक्रोमीटर या मैनामोमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैनामोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस को मेज़र करता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर के प्रेशर को मेज़र करता है वेदर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे। एनामोमीटर इज़ अ गॉज फॉर रिकॉर्डिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एंड माइक्रोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस स्पेस यूजिंग अ स्क्रू विद अ फाइन थ्रेड। इतना मत याद करो यहाँ से, लेकिन ये याद कर लो किस चीज़ को मेज़र करता है। नेक्स्ट इज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑप्शंस है इनडेलिबल, इनएफेबल, इनग्रेट या इनएक्सोरेबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनएफेबल। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रेट है, उसको आप शब्दों में ही बयान नहीं कर सकते। इनडेलिबल मतलब होता है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते या इरीज नहीं कर सकते। यहाँ से डेल आ रहा है, डिलीट से याद कर सकते हो, इन डिलीट ऐसे याद कर लो, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इनग्रेट मतलब होता है अनग्रेटफुल एंड इनएक्सोरेबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड या चेंज्ड। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेगमेंट प्लांट मटीरियल यूज्ड टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचर सेंट इनसाइड बिल्डिंग स्पेशली इन अ रेजिडेंट सेटिंग। ऑप्शंस देखते हैं, पॉटपुरिन, परफ्यूम, सेंट या अरोमा। तो कोई ऐसी चीज़ है, मतलब एक मिक्सचर है ड्राइड नेचुरल फ्रेगमेंट प्लांट का, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग के अंदर या रेजिडेंस प्लेस के अंदर जिसकी वजह से अच्छी नेचुरल स्मेल आए, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, पॉटपुरिन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड अरोमा मतलब एक प्लेजेंट नोटिसेबल स्मेल, स्पेशली खाने का जो स्मेल आता है ना कुछ अच्छा बनता है तो बोलते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वैसे चीज़ों के लिए अरोमा वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लेसिंग डिफरेंट थिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। आप अलग अलग चीज़ों को प्लेस कर रहे हो ऑर्डर में ताकि एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट आए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिट फॉर अ पोर्ट्रे, रेंडर प्रिसाइसली, जक्स्टापोज या फ्रेमिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जक्स्टापोज। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कल्चर, उसको क्या बोलेंगे, एरिमोलॉजी, इटोमोलॉजी, इथोलॉजी या इथेनोलॉजी।
टिश्यू कल्चर नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ कल्चर बोला है, ये याद रखना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस। एरिमोलॉजी मतलब होता है द सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ डिजर्ट फीचर एंड फिनोमेना। एटिमोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग। एथोलॉजी मतलब होता है द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में एनिमल कैसा बिहेव करते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं एथोलॉजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, पॉलीग्लॉट, टॉकेटिव या ओरेटर? उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु नो, ये पहले भी हो गया ना शायद, ओके वर्ड्स अलग थे, क्वेश्चन आई गेस सेम ही था, बाकी वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। कन्वर्जेंट यहाँ पे सी होगा। कन्वर्जन मतलब होता है नोइंग अबाउट समथिंग। ओरेटर मतलब होता है अ पर्सन हु डिलीवर अ स्पीच और ओरेशन। नेक्स्ट इज अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज असेंबली। आप एक बहुत ही लंबा और बहुत ही एग्रेसिव स्पीच दे रहे हो बहुत बड़ी सभा को, तो उसको क्या बोलेंगे? हुलाबलू, कैकाफोनी, पैंडोमोनियम या हेरोंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हेरोंग। हेरोंग मतलब होता है अलाउड बोम्बास्टिक डिक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ, जैसे भड़काऊ भाषण तो जो दिए जाते हैं ना वो, उसके लिए यही वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। हुलाबलू मतलब होता है डिस्टर्बेंस यूजली इन प्रोटेस्ट। कैकाफोनी मतलब होता है लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड। एंड पैंडामोनियम मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, लाइबल टू बी ईजिली ब्रोकन। इसके बाद आपको 50 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले आप अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं, एंड ये क्वेश्चन का लेवल आपको सही लग रहा है कि नहीं। ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ब्रिटल, अनहेल्दी या ओपेक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही हार्ड हो लेकिन जल्दी से टूट जाती है। ट्रांसल्यूसेंट, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट बट नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं है बट लाइट वहाँ से पास हो जाती है। स्पेशली जो हमारी विंडो की ग्लासेस होती हैं वो ज़्यादातर ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, ठीक है। ओपेक क्या होता है, नॉट क्लियर टू सी थ्रू, अलाउ लाइट अलाउ होती है उससे लेकिन सी थ्रू नहीं होता, हम क्लियरली नहीं देख सकते कि हम सामने या क्या हो रहा है उधर, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जॉइन MNS Academy। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।